अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान इस बात का ख्याल रखे कि डायमंड इको पार्क 3 के अंदर एरिया के अंदर कोई भी गाय, बकरी, भैंस या कोई भी अनजान व्यक्ति डायमंड इको पार्क 3 के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनजान आदमी जाता है, आप उसको रोको, टोको और पूछो कि इस एरिया के अंदर अलाउ नहीं है। आपको प्यार मोहब्बत से और प्रेम से उसको बताना है और समझाना है। डायमंड इको पार्क 3 का जो गेट है, मुख्य द्वार, उसको हमेशा बंद रखना है, क्लोज रखना है। वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर खोला जाएगा, वरना खुला रहेगा तो कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर प्रवेश कर लेगा। जैसे चोर है, शराबी है, पागल है, भिखारी है, ऐसे व्यक्तियों को डायमंड इको पार्क 3 के अंदर आना सख्त से सख्त मना है। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान डायमंड इको पार्क 3 का मेन गेट, मुख्य द्वार को हमेशा बंद रखेगा और सतर्क रहेगा, अलर्ट रहेगा और चारों तरफ ध्यान देगा। हर आने और जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान जो हमारे अधिकारी है DIP के, जैसे डायमंड इको पार्क 3 के अधिकारी है, इनका मोबाइल नंबर और उनका नाम आपके मोबाइल के अंदर ऐड होना चाहिए। जो हमारे डायमंड इको पार्क 3 के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, इन साहब लोगों का नंबर आपके मोबाइल के अंदर ऐड होना चाहिए। कभी कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो डायरेक्ट आप उनको फ़ोन कर सकते हो। इसीलिए आपके पास जो डायमंड इको पार्क 3 के अधिकारी है, सभी उच्च अधिकारियों का आपके पास मोबाइल के अंदर नंबर ऐड होना चाहिए। मैं चेक करूंगा किसी दिन तो आपके मोबाइल पर वो नंबर सभी अधिकारियों के होना चाहिए। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान नाइट शिफ्ट के अंदर, रात्रि पारी के अंदर, नाइट ड्यूटी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोने की कोशिश ना करे। ड्यूटी अलर्ट करे, जग कर करे और सतर्क रहे और चारों तरफ ध्यान दे। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखे। अगर नाइट ड्यूटी के अंदर आप सोते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति आपको मार के चला जाएगा। आप बेहोश तरह से रहोगे तो सोना नहीं चाहिए ड्यूटी के अंदर, क्योंकि हमारे डायमंड इको पार्क 3 का जो मटेरियल है, जो सामान है, वो बाहर में रखा हुआ है। इसको कोई चोरी ना करे, इसको कोई उठा के ना ले जाए। इसीलिए कोई भी चोर आपके ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि ये जंगल इलाका है, चारों तरफ से पूरा जंगल है और बगल में गांव है, बहुत डेंजर है। इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। अगर आप अलर्ट रहोगे, सतर्क रहोगे तो आपकी सेफ्टी है, आपकी सुरक्षा है, चोरी भी नहीं होगी और आपको कोई मारपीट भी नहीं होगा, आप पे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन आप अगर बिंदास सो जाओगे, चाहे बैठे बैठे सो जाओ, डोजिंग हो जाओ या ऑन ड्यूटी स्लीपिंग हो जाओ या फाउंड स्लीपिंग हो जाओ, वो आपके लिए खतरा है। इसीलिए जहाँ खतरा रहता है वहाँ पर हमने आँखों को बिल्कुल खुली रखना है, कान को खुली रखना है कि हमें कोई दिखाई दिए तुरंत हमने उसके पास जाना है, और हमको आवाज़ आ जाए तो तुरंत हमको उस तरफ जाना है। तो आपको नाइट ड्यूटी के अंदर खास विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, अलर्ट रहना है, सोने की कोशिश ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई सो गया, अधिकारी ने पकड़ लिया या CCTV कैमरे यहाँ पे खुफिया लगे हुए, अगर कि कोई फोटोज आ गया तो आपका बहुत बड़ा एक्शन होगा, जिससे आपका पेमेंट को अंदर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेहरबानी करके कोई भी सिक्योरिटी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सोने की कोशिश ना करे, अपनी ड्यूटी अलर्ट करे, जग के करे, इस बात का ध्यान रखना है। आप मत सुरइये करो, जग ये करो आप, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखो। आप सो जाओगे, आपका कोई मोबाइल चोरी करके चले जाएगा, आपको कोई मार के चला जाएगा, तो अपनी सुरक्षा पहले करो आप।
आप अपनी सुरक्षा पहले करोगे तभी डायमंड इको पार्क 3 की सुरक्षा होगी। इसलिए बेटर है कि रात्रि पारी में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोने की कोशिश ना करे, चेक कर ड्यूटी करे, अलर्ट करे, सतर्क रहे और चारों तरफ ध्यान दे, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखे।